चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग केमिस्ट्री पढ़ना। तो पिछले क्लास तक के जो हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे थे उसमें हम लोग पढ़ रहे थे अनुकता के बारे में कि किसी भी क्रिया का अनुकता हम लोग कैसे निकालते हैं, अनुकता क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। चलिए उसके बाद के टॉपिक्स को हम लोग समझते हैं। तो केमिस्ट्री का है ये पार्ट, कौन सा चैप्टर का है, तो रासायनिक गति की चैप्टर भी अभी हम लोग चल रहे हैं। तो इसमें जो टॉपिक लिखा गया है वो अभिक्रिया की कोटि, दैट इज अ वीवीआई पॉइंट। तो सबसे पहले फर्स्ट एरो देंगे, लिखेंगे वेग समीकरण में प्रयुक्त सांद्रण पदों के घातों के योगफल को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। नेक्स्ट एरो, अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करने के लिए नेक्स्ट एरो देखेंगे अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले वेग के समीकरण को लिखना होगा। चलिए तो हम लोग अभिक्रिया की कोटि को सीख रहे हैं, और अभिक्रिया की कोटि को सीखने के लिए हमें वेग समीकरण की आवश्यकता होगी, वेग समीकरण लिखने आने चाहिए। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ अभिक्रिया को लेकर। अब यदि अगर उस अभिक्रिया का हम वेग समीकरण लिख पाते हैं तो हम अभिक्रिया की कोटि को भी निकाल सकते हैं। चलिए लेट अस सपोज, अगर मान लिया एग्जाम्पल के तौर पे, अगर इस तरह का रिएक्शन है, पहला एग्जाम्पल 2x+y से बन रहा होगा z, एक अभिक्रिया में इस तरह का होगा तो 2x+y से क्या बन रहा है, z। अब 2x+y से z बन रहा है तो इसका वेग समीकरण हम सबसे पहले लिखेंगे। वेग समीकरण प्यारे छात्रों हम लोगों ने पहले सीखा है कि कैसे लिखते हैं, तो अपने तरीके तरफ से k लगाया जाता है, जिसका मतलब होता है वेग स्थिरांक। क्या मतलब होता है, वेग स्थिरांक। अब यहां हो गया वेग स्थिरांक k, उसके बाद आपको अभिकारक में जो जो चीज मिला है, अभिकारक में x भी है, अभिकारक में y भी है, तो यहां पे लिख दिया x, और जो उसके गुणांक में है उसका पावर 2 लिखते हैं, और फिर आगे क्या है इनटू में करके लिखेंगे। एक और है y, इसके बगल में तो कुछ नहीं है, y के बगल में तो कुछ नहीं लिखेंगे, अगर यहां कुछ नहीं माना जाए तो 1 है, तो आप यहां 1 लिख भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। ये वेग समीकरण सबसे पहले आपको लिखना है। अगर आप वेग समीकरण लिख लेते हैं तब आप अभिक्रिया की कोटि लिखेंगे। अभिक्रिया की कोटि में प्यारे छात्रों ये परिभाषा में हम लोग लिखें कि यदि कोई अभिक्रिया के अभिकारक के सांद्रण के पदों में व्यक्त करने के बाद घातों के योगफल, यानी कि यहां सांद्रण x का सांद्रण का घात कितना है 2, y के सांद्रण का घात कितना है नहीं पता चल रहा है, नहीं है इसका मतलब 1, जैसे 2 को नहीं लिख सकते 2 के पावर 1, वैसे ही 2 और 1 को ऐड कर लेंगे बन जाएगा 3 आंसर। यानी कि मेरा कहने का मतलब कि अगर किस भी तरह का अभिक्रिया है, जैसे मान लिया कि एग्जाम्पल नंबर 2 को हम लोग चेंज करते हैं, इसको लिख सकते हैं 2x+3b से बन रहा है 2c+d। प्यारे छात्रों सबसे पहले इसका वेग समीकरण आप लिखिए। वेग समीकरण हम लोग लिखना सीखे हैं, वेग समीकरण हमेशा
अभिकारक का लिखा जाता है, अभिक्रिया में भाग लेने वाले यौगिक को ही लिखा जाता है। तो कुल मिलाकर इस अभिक्रिया में देखेंगे तो ये जो पार्ट है ये अभिक्रिया में भाग लेने वाले पार्ट है, यानी कि एक अभिकारक के तौर पे है। तो इसका वेग समीकरण हम लोग लिखेंगे कैसे, तो सबसे पहले के लिखा जाता है। अब इस अभिकारक में एक्स भी है और बी भी है, तो एक्स के गुणांक में कितना है, दो, तो यहां लिखेंगे एक्स के पावर में टू इंटू, अब x का तो काम खत्म हो गया, अभिकारक में b भी है तो यहां लिखेंगे b के पावर 3, क्यों, क्योंकि गुणांक में यहां पे 3 है। अब हम लोग आराम से अभिक्रिया की कोटि लिख सकते हैं, अभिकारक के रूप में x है और अभिकारक के रूप में b है, x का पावर देखेंगे तो 2 और b का पावर देखेंगे तो 3, तो इस तरह से 3 और 2 को ऐड कर लीजिए तो कितना बन जाएगा, 5 बन जाएगा, राइट। तो इस तरीके से हम लोग कुछ और एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल तो कर ही लिए हैं, अब हम लोग कुछ बनाने के लिए देते हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कुछ बनाने के लिए आपको देते हैं कि आप उसका अभिक्रिया की कोटि कैसे निकालते हैं। अच्छा, एक और एग्जाम्पल, अगर मान लिया सवाल ऐसा रहा तो कैसे करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 3 नोट करेंगे। अगर मान लिया हाफ ए प्लस 2b से बन रहा है सी प्लस डी, तो इसका सबसे पहले आप अभिक्रिया की कोटि को लिखने से पहले वेग समीकरण को लिखेंगे। तो यहां पे कुल मिलाकर अगर बात किया जाए तो वेग समीकरण कैसे लिखेंगे प्यारे छात्रों, तो वेग समीकरण जो लिखा जाता है वो कैसे लिखते हैं, सबसे पहले के देते हैं, तो यहां पे के लिख दिया। अब इस अभिकारक में ए भी है और बी भी है, तो ए का गुणांक कितना है, 1/2, ए का गुणांक कितना है, 1/2, तो यहां लिखेंगे a, और a का सांद्रण कितना, जितना गुणांक है यानी कि 1/2 पावर दे देंगे। फिर इनटू एक और क्या भाग ले रहा है अभिकारक में, b, तो इसको लिखेंगे b के पावर कितना, गुणांक में 2 है तो पावर दे देंगे 2। अब उसके बाद क्या करना है, a का k ही लिखेंगे, सॉरी, अब हम लोग लिखेंगे अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि। तो अभिक्रिया की कोटि कैसे लिखेंगे, तो ए का सांद्रण के पावर कितना है, ए का, और ये ब्रैकेट को पढ़ते हैं सांद्रण, तो ए के सांद्रण के पावर 1/2, तो 1/2 को ऐड कर लेंगे, प्लस बी के सांद्रण के पावर कितना है, 2, तो यहां पे हम लोग 2 को ऐड कर लेंगे। तो इसको लिख सकते हैं 2 को 2/1, 1 और 2 का एलसीएम कितना हो गया, 2, अब 2 से ये एक बार में कट रहा है तो इसको लिख दिया 1, प्लस 1 से ये कितना बार में कट रहा है, 2 बार में, और 2 दूना 4, तो कुल मिलाकर 5/2, यानी कि अभिक्रिया का कोटि हो गया 2.5। तो अगर मान लिया कि अगर कुछ ऐसी भी अभिक्रिया रहेंगी तो हम लोग उसका अभिक्रिया की कोटि कैसे निकालेंगे वो भी हम लोग देख रहे थे। चलिए अब आइए आगे कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि अगर कुछ क्वेश्चन को हम लोग अभिक्रिया की कोटि कैसे निकालेंगे। तो चलिए नोट किया जाए कि अभिक्रिया की कोटि को कैसे लिखते हैं, चलिए देखते हैं आगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस, ये होमवर्क्स में है। निम्नलिखित की अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करें, यानी कि जो नीचे लिखा हुआ है इस सब का क्या करना है, अभिक्रिया की कोटि निकालना है। तो बिल्कुल 5 क्वेश्चन है, आप 5 क्वेश्चन को अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए और फिर इन 5 क्वेश्चंस को सबसे पहले वेग का समीकरण लिखिए और वेग के समीकरण को लिखने के बाद इसका अभिक्रिया की कोटि निकालिए। तो ये 5 क्वेश्चंस को वीडियोज को पॉज करके आप नोट कर लेंगे और बना के हमें सेंड करेंगे। तो अब इसके बाद जो हम लोग सीखेंगे वो टॉपिक्स देंगे अनुकता और अभिक्रिया की कोटि में अंतर, यानी कि अनुकता और अभिक्रिया की कोटि में क्या अंतर है उसको भी हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए सीखते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक लिखा जाए अनुकता और अभिक्रिया की कोटि में अंतर। अनुकता और अभिक्रिया की कोटि में अंतर, एक तरफ लिखा जाए अनुकता
और एक तरफ लिखा जाए अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि, इसका नंबर वन, इसका नंबर वन, इसका नंबर टू, इसका नंबर टू। सबसे पहले हम लोग नोट डाउन कर लेंगे, फिर एक एक चीजों को समझेंगे। तो सबसे पहले लिखा जाए अनुक्ता का नंबर वन, अनुक्ता का नंबर वन लिखेंगे। यह हमेशा पूर्णांक होता है, यह हमेशा पूर्णांक होता है। अभिक्रिया के कोटि का पहला लिखेंगे, यह पूर्णांक या भिनांक, यह पूर्णांक, पूर्णांक ऐसे, या भिनांक, भिनांक का मतलब भिन्न लिखते हैं ना, पूर्णांक या भिनांक होता है। अब अनुक्ता का दूसरा भी लिखेंगे, अनुक्ता का दूसरा, किसी अभिक्रिया की अनुक्ता, किसी अभिक्रिया की अनुक्ता तीन से अधिक नहीं हो सकती है, तीन से अधिक नहीं हो सकती है। अभिक्रिया की कोटि में लिखेंगे तीसरा, सॉरी दूसरा, दूसरा अभिक्रिया कोटि का दूसरा लिखेंगे, किसी अभिक्रिया का, अभिक्रिया की कोटि तीन से अधिक हो सकती है, तीन से अधिक हो सकती है। अब अनुक्ता का थर्ड पॉइंट लिखा जाए, अनुक्ता का थर्ड पॉइंट, यह एक सैद्धांतिक मान है, यह एक सैद्धांतिक मान है। अभिक्रिया की कोटि का थर्ड पॉइंट लिखेंगे, यह एक प्रायोगिक मान है, यह सिद्धांत है, यह एक प्रायोगिक मान है या सिद्धांत है। तो अनुक्ता और अभिक्रिया की कोटि में पहला जो अंतर है कि अनुक्ता हमेशा पूर्णांक होता है। पूर्णांक का मतलब, पूर्णांक का संख्या का मतलब यह हुआ कि जीरो, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, यानी कि पूरा का पूरा नंबर, सात होगा तो पूरा, आठ होगा तो पूरा, यानी कि पॉइंट में नहीं हो सकता है अनुक्ता। ये बात कहने का मतलब है, यानी कि अनुक्ता का जो पहला हम लोग लिखें, इसमें ये लिखें कि इसमें जो होता है उसमें पूरा का पूरा नंबर होता है, पूर्णांक होता है, कोई भी पॉइंट का नंबर नहीं होता है। परंतु अभिक्रिया की कोटि में जो होता है उसमें क्या होता है, इसमें भिनांक होते हैं, भिनांक का मतलब पॉइंट में होता है, जैसे 2.4, 3.4, 8.6, यानी कि पूर्णांक और भिनांक दोनों होता है, किसमें, अभिक्रिया की कोटि में। तो याद रखिएगा, अनुक्ता पूर्णांक होते हैं, जबकि अभिक्रिया की कोटि क्या होते हैं, भिनांक और पूर्णांक दोनों होते हैं। दूसरी बात, अनुक्ता का जो वैल्यू होगा वो कभी भी तीन से ज्यादा नहीं हो सकता है, यानी कि तीन तक के हो सकता है, चार नहीं हो सकता, पांच नहीं हो सकता, छह नहीं हो सकता, सात नहीं हो सकता, तीन से अधिक नहीं हो सकता, मतलब तीन से कम होता है। अनुक्ता हमेशा तीन से कम होता है, परंतु अभिक्रिया की कोटि का जो वैल्यू है वो तीन से ज्यादा भी हो सकता है। तो यह एक अंतर है। तो इसमें लिखेंगे, दूसरा में लिखे हुए हम लोग कि किसी भी अभिक्रिया की जो अनुक्ता होगी वो तीन से ज्यादा नहीं हो सकती है, जबकि अभिक्रिया की कोटि का वैल्यू तीन से ज्यादा हो सकता है। और जो थर्ड
डिफरेंस लिखे हैं, तीसरा जो अंतर लिखे हैं उसमें ये कि यह एक सैद्धांतिक मान है, यह एक सैद्धांतिक मान है, सैद्धांतिक तो सैद्धांतिक, और यह एक प्रायोगिक मान है। देखिए अब प्रायोगिक और सैद्धांतिक का वैल्यू, यानी कि अनुकता जब निकालने के लिए जब हम लोग सीख रहे थे वो एक थ्योरेटिकल वैल्यू है, एक थ्योरी बेस्ड वैल्यू है जिसका नाम है अनुकता, लेकिन ये एक अभिक्रिया के कोटि जो है ये प्रायोगिक है, यानी कि ये प्रयोग के आधार पे इसका आंकड़ा निकाला जाता है। यह एक प्रायोगिक है यानी कि यह एक प्रयोग के बेसिस पे हम लोग इसका निकालते हैं वैल्यू। तो कुल मिलाकर अगर हमको देखा जाए तो ये अनुकता में भी तीन डिफरेंस और अभिकारक में भी, अभिक्रिया की कोटि में भी तीन डिफरेंस। तो बिल्कुल आप इन चीजों को याद रखिएगा, और सैद्धांतिक का मतलब थ्योरी और प्रायोगिक का मतलब प्रयोग के आधार पर, यानी कि इसमें प्रयोग के आधार पर इस अभिक्रिया की कोटि निकालते हैं और यह एक सिद्धांत दिया गया है, थ्योरी के बेस्ड पे अनुकता निकालते हैं। तो आज तक के हम लोग ये पढ़ रहे थे कि अनुकता क्या है, अभिक्रिया की कोटि है, अभिक्रिया की कोटि कैसे निकालते हैं, और अनुकता और अभिक्रिया की कोटि में क्या अंतर है, यहां तक के हम लोग सीखे हैं। अब अगले क्लास में आगे की टॉपिक्स को सीखेंगे। आज तक यहीं स्टॉप किया जाए।